एक जिज्ञासु के रूप में देश भर में जब घूमता रहता था तब भी आया लेकिन अगर मैं कह सकता हूँ कि जो चीज़ें के साथ मेरा जुड़ा हुआ तो जब कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल बन रहा था एकता यात्रा उस समय मेरा आना होता था जो बन रहा था उसके बाद 1975 सेवेंटी फाइव इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी तो इमरजेंसी के दरमियान में अंडरग्राउंड था तो कुछ कोऑर्डिनेशन के काम के लिए मैं पूरे देश में जाता था तो तमिलनाडु इमरजेंसी समाप्त होने के बाद हम लोगों ने तय किया था हमारे कुछ लोगों ने कि भाई पूरे देश में इमरजेंसी के खिलाफ जो संघर्ष हुआ है और सामान्य नागरिकों ने जो संघर्ष किया है उसका सारा मटेरियल उसका कंपाइलेशन होना चाहिए तो उस सिलसिले में मैं देश भर में स्टेट हेडक्वार्टर्स पे जाता था कभी इंटीरियर में जाता था उस समय संघर्ष में जो लोग व्यस्त थे उनसे मिलता था उस समय उन्होंने कैसे किया लिफ्ट रेस कौन सा सारे इकट्ठा करता था तो उस काम के लिए आपने इमरजेंसी मुझे काफ़ी समय वहाँ आ के प्रवास करने का फिर मैं पार्टी संगठन के लिए रेगुलर आता जाता रहता था उसके बाद एकता यात्रा एक, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कन्याकुमारी से शुरू की थी हमने और श्रीनगर जा रहे थे और सपना लेकर के निकले थे क्योंकि उस समय लाल चौक तिरंग में तिरंगा झंडा को झड़ाया जाता था श्रीनगर में फुलग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो पूरी तरह जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली वो अवसर था और खुशी की बात है कि मैं तिरंगा झंडा लेके चला था और उस समय भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु तीनों के फैमिली मेम्बर आए थे और उन्होंने हमें तिरंगा झंडा सुप्रुद्ध किया था जो हमने श्रीनगर के लाल चौक में जाकर के फहराया था कन्याकुमारी में कन्याकुमारी